ये तस्वीर याद है आप लोगों को, जुलाई के महीने में 2017 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इसको ट्वीट किया था नरेंद्र मोदी के साथ। हाइफा जो वहां का एक बीच है उस पर टहलते हुए इन लोगों ने तस्वीर डाली थी, और उस वक्त नरेंद्र मोदी को एक दोस्त भी कहा था, और खुद ही ट्वीट उन्होंने ये कहा था, ये लिखकर किया था, There's nothing like going to the beach with friends। अब माना ये जा रहा है, ये टेलीग्राफ की खबर देखिएगा, माना ये जा रहा है कि ये जब मुलाकात हुई थी और ये जब बीच पर टहल रहे थे जुलाई का समय 2017, उसके ठीक बाद ही ये सारी जो स्नूपिंग है, ये पूरा पेगासस का जो स्पाईवेयर है जिसका इस्तेमाल किया गया, वो उसके बाद से ही शुरू हुआ था। यानी ये जो बीच पर टहल रहे थे उस वक्त तक ये सारी डील्स हो चुकी थी, ऐसी खबरें सामने आ रही। टेलीग्राफ की खबर देखिएगा, उन्होंने कहा कि गार्जियन न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया, द सिलेक्शन ऑफ इंडियन नंबर्स लार्जली कमेंस्ड अराउंड द टाइम ऑफ मोदीज 2017 ट्रिप टू इजराइल, द फर्स्ट विजिट टू द कंट्री बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर। पहली बार कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस तरह से वहां पर कंट्री में गए थे। मोदी एंड द देन इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वर पिक्चर्ड ड्यूरिंग द ट्रिप वॉकिंग बेयरफुट टुगेदर ऑन अ बीच। उनसे थोड़े दिन पहले की ये तस्वीर थी, ये गार्जियन ने लिखा है। The picture above was tweeted by Netanyahu in July 2017, showing him and Modi on the beach in Haifa. और जो मैंने जैसे बताया, उन्होंने कहा था, There's nothing like going to the beach with friends, यानी नरेंद्र मोदी उनके दोस्त और उनको दोस्त बताते हुए उन्होंने ट्वीट किया था। ये जो स्पाइवेयर पेगासस है जो अलाउ करता है कस्टमर्स को ताकि वो इन्फिल्ट्रेट कर सके मोबाइल फोन पे, मॉनिटर कर सके, आपके फोन से रिकॉर्डिंग कर सके, आप किसके साथ बैठे हैं वो सारी फोटोग्राफ वीडियो सब कुछ रिकॉर्ड कर सके, ऑडियो कॉल रिकॉर्ड कर सके, किसके साथ बैठे हो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सके, एवरीथिंग इज अलाउड, और सब कुछ ये कर पाता है। और ये एक बड़ा आरोप लग रहा है कि पेगासस को इजरायली ये जो कंपनी है NSO, ये अब देशों को इस्तेमाल करने के लिए दे रही है ताकि वो अपने देश में जो डिसेंट है यानी क्रिटिसिज्म हो रहा है, उनका विरोध हो रहा है, उसको दबाने की कोशिश कर सके इसके द्वारा। तो ये इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, और सिर्फ भारत में नहीं, कई और देश हैं जो कि इस लिस्ट में सामने आए हैं, और कई और देशों में भी इसी तरह से पत्रकारों पर सबसे पहले उनके डिसेंट को दबाने की कोशिश हो रही है, और वहीं पर पॉलिटिशियंस और सब लोगों। तो ये जो तस्वीर थी बीच पर टहलते हुए, ये बीच की टहलती हुई तस्वीर उस वक्त बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, बहुत अच्छा लग रहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपना बहुत खास दोस्त बताते हैं और कह रहे हैं कि उनके साथ बीच पर टहलना कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन उसके पीछे की किस तरह की डील्स थी जिस पर अब सरकार को जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि अश्विनी वैष्णव जो हमारे IT एंड कम्युनिकेशंस मिनिस्टर है, वो जिस तरह का जवाब अब देकर जा रहे हैं संसद में, वही जवाब 2 साल पहले 2019 में उस वक्त के IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने दिया था, कुछ बदला नहीं है उनके जवाब। और अश्विनी वैष्णव जी के साथ तो मेरी बहुत ही सहानुभूति है कि जब वो ये कह रहे थे उसी वक्त खबर आई इनका भी फोन टारगेट पर था। स्लो क्लैप्स फॉर दिस गवर्नमेंट एंड देयर मिनिस्टर्स, जिन्हें भी वो छोड़ नहीं रहे हैं स्नूप करने से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। देखिए, बीच पर मैं बात कर रही थी और हवा भी बिल्कुल ऐसी हो गई है बिल्कुल भी, तो बनता है ना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। बता दीजिए कि आखिर द गार्डियन की जो न्यूज है वो कब बता रही है कि इस तरह की डील हुई थी पेगासस को लेकर, उसको भी शक है और वो बता रहे, क्योंकि ठीक उसके बाद से ही जो इंडियन टारगेट्स थे उनके फोन स्नूप होने शुरू हो चुके थे। नमस्कार, सत्यमेव जयते हैं।